देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। विजय कोहली को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव पद पर नियुक्ति। जनता की सेवा के लिए 24 घंटे खुला रहेगा जनसंपर्क कार्यालय। मुंबई, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार में रही एनसीपी अब मुंबई में धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही है। एनसीपी आने वाले महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जिला स्तर पर अपने जुझारू कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर समाज सेवा का मौका दे रही है, जिससे आने वाले महानगर पालिका चुनाव के दौरान हर वर्ग के लोग एनसीपी से जुड़े रहे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनसीपी में वर्षों से सेवा करने वाले जुझारू कार्यकर्ता विजय कोहली को दक्षिण मुंबई जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद माना जा रहा है कि दक्षिण मुंबई में युवाओं को साथ लेकर चलने वाले विजय कोहली को हर वर्ग का जनसमर्थन जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि विजय कोहली पार्टी में बिना किसी पद पर रहते हुए भी हमेशा से गरीबों की सेवा में तत्पर रहते हैं। खासकर सीनियर सिटीजन के सेवा भाव रखने वाले विजय कोहली ने उद्घाटन के मौके पर एनसीपी सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाकर मुफ्त में वितरण किए। सचिव का पद मिलने के बाद कोहली ने दक्षिण मुंबई के बीएमसी तार कंपाउंड तुलसीवाड़ी महालक्ष्मी के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भव्य जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष विजय वाडकर के हाथों संपन्न करवाया, जहां कोहली ने बताया कि आने वाले समय में स्थानिक जनता के सेवा का शुभारंभ इसी कार्यालय से संपन्न होगा। कोहली ने यह भी बताया कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं बनना है, बल्कि समाज में युवाओं और बुजुर्गों की समस्या पर काम करना है, जिसको लेकर अक्सर नेता ध्यान नहीं देते हैं। जनता के लिए खोला गया है तो यहाँ पे विजय कोहली जो है वो 2 घंटा बैठेंगे, लोगों की परेशानी को समझेंगे और उनका समाधान देंगे। थैंक यू। ये यंग है, ये सबको समझ सकता है, ये बूढ़ों को भी समझेगा, जवानों को भी समझेगा, ये आगे बढ़ेगा और हमारी पूरी इच्छा के बराबर ये काम करेगा। मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े और हमारी दुआ इसके साथ है। चलिए, हम लोग ये कहेंगे कि हमारे को दिल से उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और वो लड़का काम करने वाला है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे एरिया के अंदर ऐसा कोई था नहीं। आज वो खड़ा हुआ है जिस पार्टी से, हम लोगों को उस पार्टी पे बहुत बड़ी उम्मीद है और हमारे लड़के पे बहुत बड़ी उम्मीद है। हमारे जितने भी मसले हैं युवाओं के, सीनियर सिटीजन के, एरिया के, वो हर मसला हल करवाएगा, हमको ये उम्मीद है उससे और हमारी दुआएं उसके साथ है। आज तक ये एरिया में हम लोगों का इतना वर्ष गुजर गए, हमारे कोई मसले हल नहीं होते थे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते थे, इलेक्शन वोटिंग डालो, ये करो वो करो, लेकिन मसले हल करने के लिए कोई नहीं आता था। आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो ऑफिस खुला है, ये हमारे मसले हल करने के लिए खुला है, हम लोगों की दुआएं उसके साथ है और इंशाल्लाह वो ज़रूर हमारे मसले हल करेगा और आगे तरक्की होगी और ये पार्टी का बहुत बहुत नाम अच्छा होगा। हम लोगों की ये दुआएँ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे तो पहले ये बताना है कि काफ़ी सारी परेशानी है, बारीकी से मैं नज़र है मेरी, काफ़ी समय से, सालों से देखते आया हूँ। जो मेरे बुजुर्ग लोग को ज़्यादा परेशानी थी, काफ़ी जगह पे जाते थे, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, काफ़ी सारी जो चीज़ें जो सुविधा मिलती नहीं, उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ये सुविधा उनके पास पहुँचती नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ने, सरकार ने तो ये सब मान्यता दी है, लेकिन मैं सोचा कि काफ़ी से 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है तो घर घर वो लोग को लेने को लिए व्हील चेयर आती है, गाड़ी आती है, तो फिर दूसरे दिन से क्यों नहीं आते? 5 साल जो बुजुर्ग लोग है, जो सीनियर सिटीजन है, वो 5 साल परेशान होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे एक ही दिन क्यों भेजते हैं व्हीलचेयर और गाड़ी? मुझे ये बताना है, ये पूछना है लोगों से। कोई नेता में मुझे ऐसा कोई, मुझे खाली पब्लिक का जो भी है समाधान करना है। जैसे डॉक्टर अपने मरीजों का जो जैसे इलाज करता है, बीमारी ढूंढता है,
मुझे लोग का गरीबों का है ना जो भी परेशानी है, मुझे एक डॉक्टर की तरह से मेरे मरीज बना के उनके जो परेशानी है उनका समाधान करना है। उनके लिए भी सोचा हूँ, लेकिन मैं एक एक बोलूंगा नहीं, करते रहूंगा। आपको आपको सबको आपका धन्यवाद है कि आप मेरे साथ में इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक जनता को। दोनों विजय मिलके विजयी विजय होने वाली है, और मेरे को इनका बहुत आशीर्वाद है, इनका भरपूर सपोर्ट मिला है, और शरद पवार जी साहब का भरपूर सपोर्ट मिला, और हर एक मेरे जो वरिष्ठ नेता है सबने मुझे भरपूर सपोर्ट देता है। इस लायक समझा कि मैं इस पद का पद संभाल सकता हूँ, जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मैं काफ़ी सबका धन्यवाद करना चाहूँगा ये चीज़ के लिए। और जी को आज के दिन उनके जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बधाई दूंगा, शुभेच्छा दूंगा और उनका आभार मानूंगा, क्योंकि हमारे ज़िले में हमारे वार्ड अध्यक्ष है संतोष जी ढाले जी है, वो काम कर रहे हैं, पर उनको सपोर्ट नहीं था, तो विजय कोहली के जरिए हमें ये विभाग में मजलूम और गरीब जनता और जो पिछड़े वर्ग का वर्ग है उनके लिए हक का आदमी विजय कोहली के जरिए हमने यहाँ पे दिया है। हम तुम्हारे साथ हैं। अवसर के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑफिस का उद्घाटन किया, उसी लिए हम धन्यवाद देते हैं। और विजय भाई कोहली को राष्ट्रवादी कांग्रेस में जहमत उठा के विजय भाई वाड़ेकर और शरदराव पवार ने प्रवेश दिया और जिला में सचिव पद के लिए निमणूक किया, उसी लिए हमारा कोहली परिवार की ओर से शरदजी राव पवार विजय भाई वाड़ेकर का हम अभिवादन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक नौजवान है, वो कार्य करने की शैली उसके पास है और आप सभी उसके साथ है, सहयोग दे रहे हैं, उसी हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है और आशा है कि इस देश का संविधान जो है वो संविधान के माध्यम से देश को बढ़ाना है, देश को एकत्र करना है, मगर उसके पहले देश से कदर कब होगा कि जब सामान्य जनता सशक्त होंगी, सामान्य मानव उसको रोटी कपड़ा जब मिलेंगे तो ही मानव बलवान होगा, मानव समाज बलवान होगी तो ही देश राष्ट्र को बलवान बना सकते हैं। और संविधान जो भारत का संविधान है वो संविधान बिन सांप्रदायिक है, मजहब कोई भी मजहब नहीं है, बिन सांप्रदायिक है, कोई जाति धर्म व्यवस्था जाति भेद ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए देश का कार्य जो है वो रुकावट उसमें हो जाती है। मुझे हमें उम्मीद भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्र को आगे लेके ही चल रही है, ये हम जानते हैं समझते हैं, और उसीलिए जो विजय भाई को आप सहयोग दे रहे हैं और सहयोग देंगे, और विजय भाई हमें उम्मीद है, हमें उसका पितामह हूँ, उसे हमें उम्मीद भी है कि वो कार्य करेगा और सामान्य जनता समाज के लिए कोई भेदभाव के बिना सामान्य जनता को एकत्र करके ये पार्टी को एकदम मजबूत करने के लिए अभी तो चल रहा है पार्टी का, और प्रत्येक पार्टी के साथ सहयोग देंगे और आप भी सहयोग देंगे। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना गुजरता या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज कैटी पर वीडियो सहित पूरी डिटेल और हमारे जी न्यूज कैटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।